महान क्रांतिकारी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर संस्था यंग इंडिया क्लब द्वारा किला मैदान स्थित झांसी की रानी प्रतिमा स्थल पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान देशभक्ति के तराने एवं नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। संस्था यंग इंडिया क्लब के अध्यक्ष श्याम अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से अलंकृत किया गया। निःशुल्क शिक्षा के लिए राजू सैनी, लावारिस लाशू का अंतिम संस्कार करने के लिए करीम पठान, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा देने के लिए श्रीमती शकुंतला गवई, साइकिल से समाज सेवा करने पर श्री प्रेमराज कदम, अभ्यास मंडल के माध्यम से समाज सेवा करने पर किशोर गंधे, पावर लिफ्टिंग की नेशनल खिलाड़ी सांत्वना शर्मा, पहलवान राष्ट्रीय कोच एवं दंगल व सुल्तान फिल्मों में अभिनय करने वाली नीलिमा बोरासी, रोल बॉल में राष्ट्रीय पदक विजेता अंकित खत्री, जिम्नास्टिक में उत्कृष्ट खिलाड़ी राजश्री अय्यर, बेसबॉल में ताइवान के राष्ट्रीय पदक लाने वाले रुद्राक्ष साहू को सम्मानित किया गया। झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। महारानी लक्ष्मीबाई जी छापड़ा, आप इनकी प्रस्तुति देखिए, कैसे तिरंगे का सम्मान करते हैं, कैसे आदर करते हैं। कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे, महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज, गोपाल दास महाराज, संस्था यंग इंडिया क्लब के अध्यक्ष श्याम अग्रवाल, यशवंत गायकवाड़, रमेश सेन, रमेश यादव, सतीश सेन, सुधीर काला, विनोद बोरा, ओम प्रकाश खत्री, राजेंद्र मिश्रा, मनीष यादव, रामचंद्र पांडे एवं मोहित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संस्था यंग इंडिया क्लब के सदस्य उपस्थित थे। महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस हम 18 जून को मनाते हैं। विगत 22 वर्ष पूरे हो गए, 23वां वर्ष चालू हुआ, 23 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं हम। यहाँ पहले छोटी सी एक प्रतिमा रखते, ऐसे वो रखते थे, तस्वीर रख के और वो करते थे, और उसके 15 साल तक हमने संघर्ष किया। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए 15 साल तक संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद ये मूर्ति लगी। मूर्ति लगने के बाद भी हम वही जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं, हम शहीदों के परिजनों का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उनका सम्मान और समाज सेवियों का सम्मान, ऐसे हम 10 दिनों का सम्मान हर साल करते आ रहे हैं।